الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله مولانا العظيم إلهي مقصود من طوي ورضيت إلهي مقصود من طوي ورضيت محبة معرفة خد بده غم حياتك سائے محیط نہ کرنا ایک اللہ والے کی درد بھری دعا ہے دل ہی دل میں آمین کہتے رہیں تاکہ اس برکت والی رات میں ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہو جائے غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں انتہا کے قابل نہیں میرے مولا میں انتہا کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پر قابل صد احترام
मुअज़्ज़ज़ उलमा, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवानों, हक़ ताला शानहु का बड़ा एहसान और करम है सहरोज़ा ख़ानकाही निज़ाम की आज की ये आखिरी मजलिस जिसमें हम शरीक है। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला अपनी शाय निशान कबूल फरमाए और अपनी रज़ा नसीब फरमाए। आज चूँकि आखिरी मजलिस है, बस एक वाकिया बयान करके इंशाल्लाह दुआ करेंगे। एक बहुत प्यारा नाम है और चिश्तिया सिलसिले से उनका ताल्लुक है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो सिलसिला है, असल ये चला है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को निस्बत नसीब हुई, खिलाफत मिली और फिर वहाँ से ये निस्बत मुंतकिल हुई हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और फिर वहाँ से चली तो हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह। ये चलते चलते 16वें नंबर पर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह के पास पहुँची और 70वें नंबर पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह है। और आप ही की बरकत से इस सिलसिले को चिश्तिया कहकर पहचाना जाता है। हमारे हज़रत शेख तरीक़त हज़रत मौलाना मोहम्मद कमरुज़्ज़मान इलाहाबादी दामत बरकातु मलेना, आप भी इसी चिश्तिया सिलसिले से हैं। हज़रत ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत प्यारा नाम है और अल्लाह ताला की शान निराली रही। किसी को माँ के पेट से वली बना दिया तो किसी को अल्लाह ने जवानी में ठोकर लगाई, ठेस लगी, फिर विलायत मिल गई। अल्लाह का एक अंदाज है, जैसे रिस्क के मामले में असमत बेनियाज है, जिसे चाहे जितना चाहे दे देता है, ठीक इसी तरह हिदायत के मामले में भी वो असमद है, बेनियाज है, जिसको चाहे जब चाहे हिदायत देता है, अपना बना लेता है। बस दुआ करो अल्लाह हमें भी अपना बना ले, अपना बना ले। हबीब अजमी रहमतुल्लाह शुरू में सूट का काम था, अल्लाह ताला सूट की नहुसत से हमारी हिफाजत फरमाए। सूट का गुना उनका इतना आम हुआ, ये बच्चों अगर बाहर निकाल दो तो अच्छा है, इन्हें सहन में भेज दो, बच्चे बाहर चले जाओ, सहन में चले जाओ, सहन में चले जाओ। सूट का ऐसा मामला हुआ कि एक दिन रास्ते में जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, तो उन बच्चों ने जैसे ही हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह को देखा, उन बच्चों की जबान पर है, हटो हटो हबीब, सूट खाने वाला अल्लाह का दुश्मन जा रहा है। मशाइक ने लिखा, बच्चों की जबान फरिश्तों की जबान। उन्हें ठेस लगी, या अल्लाह मेरा गुना इतना खुल गया कि बच्चों की जबान पर आ गया। तो आपने उसी रास्ते में तौबा कर ली, घर जाने की जरूरत नहीं हुई कि चलो मस्जिद जाएंगे, दो रकात पढ़ेंगे, तौबा करेंगे, नहीं। तौबा दिल का अमल है, बस आदमी नियत कर ले, वो नियतों को जानता है। आपने उसी रास्ते में तौबा कर ली,
ऐ अल्लाह आज के बाद कभी सूट का एक रुपया नहीं खाऊंगा। अल्लाह ताला का निज़ाम है, हराम का कोई एक बंद करे अल्लाह हलाल के 10 खोल देता है। कितने खोल देता है? 10। लेकिन यकीन किस पर हो? अल्लाह पर। परवरदिगार आलम कुरान करीम में फरमाते وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا پروردگار عالم فرماتے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے رب العالمین مسائل سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے ملنے کا بندے کو گمان بھی نہ ہو۔ جب اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ مسائل سے بھی نکالتے ہیں اور روزی ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں 1965 میں اعلان ہوا کہ اولاد پہ کنٹرول کرو ورنہ 70 تک میں لوگ بھوکے مریں گے، لیکن 70 آئی کوئی بھوکا نہیں مرا۔ تو پھر اعلان ہوا 80 تک میں اس پہ کنٹرول کرو ورنہ یہ ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو کھا جائیں گے، معیشت تنگ ہو جائے گی۔ 80 آ گئی، اللہ کا شکر ہے کوئی بھوکا نہیں مرا، کوئی کسی کو کھا نہیں رہا۔ تو پھر اعلان ہوا کہ 90 تک میں ہوگا، پھر اعلان ہوا 2000 تک میں، ابھی ہم 2022 میں ہیں۔ جیسے جیسے لوگ بڑھتے جاتے ہیں اللہ رزق کے دروازے کھلتا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ماں حوا تھی اور ان کی کچھ اولاد، تو اس وقت کتنے خزانے نہیں تھے۔ اب 1965 کے لوگ کہاں پراٹھے کھاتے تھے، 22 والے کھا رہے ہیں۔ 22 والے جو نعمتیں کھا رہے ہیں اور جن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا 1965 والوں کے پاس یہ نعمتیں تھیں؟ کیا وہ ایسی کی ہوا کھاتے تھے؟ اللہ کا نظام ہے، جیسے لوگ بڑھتے جاتے ہیں اللہ نعمتوں کے در کھلتا جاتا ہے۔ تو اصل روزی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اتنا ہے کہ بندہ محنت کرے اور نگاہ کس پر رکھے۔ جب نگاہ اللہ پر ہوگی تو اب جھوٹ بول کے نہیں کمائے گا، دھوکہ دے کے نہیں کمائے گا، اب جوا کے ذریعے نہیں کمائے گا، اب شراب کی دکان سے نہیں کمائے گا، اب زینا کے اڈے سے نہیں کمائے گا۔ کیوں؟ اس کی نگاہ کہاں ہے؟ جب نگاہ ہٹے گی تو اب طبیعت یہ بنے گی کہ آنے دے چاہے کہیں سے بھی۔ تو یہ جو آئے گا کہیں سے بھی، یہ پریشانیوں والا آئے گا، ٹینشنوں والا آئے گا، غموں والا آئے گا، جھگڑوں والا آئے گا، انتشار والا آئے گا، بیماریوں والا آئے گا۔ یعنی آدمی اتنا الجھ جائے گا کہ وہ پریشان ہو جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کس کو نہیں سمجھا؟ اللہ کو۔ اس کو سمجھو، اس پر نگاہ رکھو تو اللہ آسانیاں رکھے گا، اللہ آسانیاں رکھے۔ حبیب اجمی رحمت اللہ سمجھ رہے تھے کہ میرا گناہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے بچوں کے سینوں پر وہ کھول دیا اور بچوں کی زبان پر آ گیا، تو آپ نے وہیں توبہ کر لی اور اپنے اللہ سے راستے میں صلح کر لی کہ اے اللہ اب کے بعد گناہ نہیں، اب کے بعد گناہ، اب کے بعد گناہ نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں رمضان اللہ سے صلح کا مہینہ، رمضان اللہ سے صلح کا۔ اگر رمضان میں بھی صلح نہ کرے کب کریں گے، اور رمضان میں بھی توبہ نہ کرے کب کریں گے؟
उसी रास्ते से वापस हुए, देर नहीं लगी, वही बच्चे खेल रहे हैं। वापस हुए तो मशाइक लिखते हैं वही बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने रास्ता दिया और आपस में बोल रहे हैं हटो हटो हबीब अल्लाह का दोस्त जा रहा है। थोड़ी देर मशाइक लिखते हैं इस उम्मत का कोई फर्द जब दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे विलायत दे देता है, अल्लाह उसको विलायत दे दे। लेकिन तौबा कहां से हो, बोलो, दिल से, जबान से नहीं, दिल से तौबा, दिल से तौबा। जब तौबा हो गई तो हसन बसरी रहमतुल्लाह की खिदमत में गए, बहुत बड़े शेख थे उस जमाने के, आपके हाथों बैठ हो गए। कहा हजरत अब जिंदगी कैसे गुजारूं, कहा हबीब घर के कोने में मुसल्ला बिछा दे, नवाफिल पर अल्लाह अल्लाह कर, कुरान की तिलावत कर। तो बड़े अदब से सवाल किया, हजरत बीवी है बच्चे हैं, खिलाएगा कौन, नहीं समझे। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हबीब तेरा पैदा करने वाला कौन, तो जवाब था, कहा हबीब तुझे कौन खिलाता, कहा अल्लाह, कहा तेरी बीवी बच्चों को पैदा करने वाला कौन, क्या अल्लाह, कहा उनको भी कौन खिलाएगा, ये जहन साफ करके मैं खिलाता हूँ, ये जहन साफ कर के मैं खिलाता हूँ, तू नहीं खिलाता, कौन खिलाता है, अल्लाह। मैं अभी दोपहर को एक किताब देख रहा था पीर साहब की, तो बायजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह की खिदमत में एक शख्स आया कि हजरत बहुत बच्चे हैं, बचरवार हूँ, बचरवार बोलते हैं ना, बहुत बच्चे हैं, परेशान हूँ, क्या करूँ। तो आपने फरमाया घर जा, जिनकी रोजी तेरे जिम्मे है, जिनकी रोजी अल्लाह के जिम्मे है उनको घर में रख, और जिनकी रोजी तेरे जिम्मे है उनको घर से निकाल दे। ये हजरत एक जुमले में इस्लाह कर देते थे, एक जुमले में, उन्हें लंबा बयान करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसकी फौरन इस्लाह हो गई। हजरत माफी चाहता हूं, थोड़ा मेरा जहन भटक गया था, आपने अच्छा हुआ मुतनब्बे किया कि मुझे और सबको पालने वाला कौन है, वो पालेगा, वो पालेगा। आप घर में बैठ गए, एक दिन, दो दिन, तीसरा दिन हुआ तो शाम को बीवी आके सर पे खड़ी हो गई, कहा हबीब सबर नहीं हो रहा है, सबर, भूख लगी है, हमको भी तो पराठे खाने, जाओ मेहनत करो, कुछ कमा के लाओ तो चूल्हा जलाएं, ये क्या लगा रखा है, कोना पकड़ लिया। तो कहा ठीक है कल जाता हूँ, कल जाऊँगा। चौथे दिन मुसल्ला बगल में दबाया, कुरान करीम ले लिया, तस्बीह ले ली और जंगल में चले गए, ये सोच कर कि घर में तो वैसे भी बच्चे तूफान करते थे, बीवी बार बार देखने आती थी तो दिल नहीं लगता था, किसकी याद में, चलो जंगल में जाऊँगा, तन्हाई होगी, अल्लाह की याद में मज़ा आएगा, अल्लाह की याद में मज़ा, दिल में हो यार और गोशे तन्हाई भी हो, दिल में हो यार और गोशे तन्हाई भी हो, अजब खलवत में अंजुमन आ रही हो। ये हजरात अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह को मनाने के लिए तन्हाइयां तलाश करते थे, तन्हाइयां तलाश करते थे। चले गए जंगल में, दिन भर अल्लाह 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 की रट है, नवाफिल पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। शाम हुई, घर आए तो बीवी दरवाजे पर ही खड़ी थी, मेहनत की, कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन मेहनत करके आ रहा हूँ, कहा मजदूरी लाए, कहा ना, कहा क्यों, कहा मांगते हुए शर्म आई, क्या कह रहे, मांगते हुए शर्म, कहा मांग लेते, कहा नहीं तबीयत नहीं चाहिए कि मांगूँ, लेकिन फिक्र मत कर, वो बड़ा करीम है, मेरा मालिक आज तक किसी का रखा नहीं, वो हमारा भी नहीं रखेगा। या युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल कड़ी, अल्लाह का कुरान कहता है, तो फिक्र मत कर, वो किसी का नहीं रखता,
ठीक है, मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जिन्होंने मौत तक कभी दुनिया का सवाल ही नहीं किया, अल्लाह से अल्लाह ही को मांगते रहे, अल्लाह से। वक्त थोड़ा बढ़ जाएगा, एक वाक्या मुझे याद आ रहा है, बस वो कहकर बयान ख़त्म करता हूँ। मंसूर का ज़माना है और सादात ख़ानदान से बहुत बड़े अल्लाह के वली, जिनका रिश्ता नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से, वो हरम में अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे थे। दुआ करो अल्लाह हमें बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। वो तवाफ़ कर रहे थे, जब वो तवाफ़ कर रहे थे तो सारा मजमा एक तरफ रुका हुआ है। उनको ये इज्जत मिली, ये प्रोटोकॉल मिला कि वो अकेले तवाफ़ कर रहे हैं और सारा मजमा उनके इकराम में खड़ा है कि हज़रत तवाफ़ कर रहे हैं, हज़रत तवाफ़ कर रहे हैं। जब बादशाह मंसूर आया अपना काफ़िला लेकर तवाफ़ के लिए, तो वो देख रहा है कि ये क्या तमाशा है, सब लोग रुके हैं और ये कोई अल्लाह के वली तवाफ़ कर रहे हैं। तो उसने अपने आसपास वालों से पूछा कि ये कौन है, का सादात है, नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से रिश्ता है, वो तवाफ़ कर रहे हैं तो लोग इकराम में रुके हैं। तो बादशाह ने सोचा कि इनको अपनी तरफ माइल करना चाहिए, तो मंसूर गया। उसको असल में तकलीफ ये हो रही थी कि ये प्रोटोकॉल हमको क्यों नहीं मिल रहा है, समझ रहे नहीं समझ रहे, अल्लाह इससे हिफाजत फरमाए, ये बहुत बड़ी बीमारी है स्टेटस की, स्टेटस की, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा। बादशाह में तो जाहिर बात है वो तो दुनियादार था, तो बीमारी होना सवाल ही नहीं। उसको ये तकलीफ थी कि ये बादशाह भी नहीं है, अमीरुल मोमिनीन भी नहीं है, उनको ये इज्जत मिल गई कि सारा मजमा रुका है, मैं बादशाह हूँ कोई देखने को तैयार नहीं, तो अब लोग उसकी तरफ देखें, इसके लिए वो इनके पास आया कि मैं इनको हाथ में लूँ तो लोग हाथ में आएंगे। सियासत भी बड़ी अजीब चीज़ है। बादशाह ने आकर कहा कि हजरत माशाल्लाह आपकी तो बड़ी शान है, बड़ी इज्जतें हैं, लोगों ने आपको कितनी इज्जत दे रखी है, मैंने जब ये मंजर देखा तो मेरे दिल में आया कि मैं भी आपको कुछ दूँ। वो तवाब नहीं से कहा हजरत मांगे क्या मांगते, तो आपने झिड़क दिया, का शर्म नहीं आती, अल्लाह के घर में खड़ा है और मुझे कह रहा है कि मांग क्या मांगता है, क्या मांगते हो, तो मैं उसको छोड़कर तुझसे मांगू, उसको छोड़कर तुझसे मांगू, तो मैं उससे ना मांगू कि तुझसे मांगू। तो बादशाह सहम गया कि अभी छेड़ने में मजा नहीं, वो रुक गया। जब वो तवाफ करके फारिग हो गए, हरम से बाहर निकल गए, तो अब मंसूर पीछे गया, कहा हजरत हजरत हजरत, रोका तो आप रुक गए। बाहर जाके आप कह रहे हैं हजरत वो तो अल्लाह का घर था, हरम था, मताब था, वहां आपको शर्म आई मांगने से, आप नहीं मांगे, लेकिन अब तो बाहर आ गए, अब मांगो क्या मांगते हो, अभी भी ठिकाने नहीं आई थी, अब मांगो क्या मांगते हो। तो आपने पूछा दुनिया मांगू के दीन, दुनिया मांगू के दीन। तो बादशाह मंसूर कहने लगा हजरत दीन के तो आप बादशाह, दीन के तो आप बादशाह हैं, अब मेरे पास दुनिया है, मांगो मैं देता हूं। तो क्या जवाब दिया, ओ नादान, मैंने आज तक दुनिया बनाने वाले से दुनिया नहीं मांगी, तो क्या तुझसे दुनिया मांगू, जा जा तेरी दुनिया तुझे मुबारक। ऐसे लोग गुजरे, ऐसे लोग गुजरे। और हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हर जमाने में 500 बरगुजीदा बंदे और 40 अब्दाल रहते हैं, हर जमाने में, इस वक्त भी मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है, हर जमाने में 500 बरगुजीदा बंदे और 40 अब्दाल रहते हैं, और उन्हीं के सदके में अल्लाह दुनिया का निजाम चलाता है, अल्लाह दुनिया का निजाम चलाता है। किसी ने पूछा होगा कि हजरत अब्दाल में से किसी का इंतकाल हो, तो कि अल्लाह ताला 500 में से मुंतखब करता है और वहाँ से अब्दाल की जगह पूर करते हैं, और फिर दुनिया के जो नेक होते हैं उनमें से किसी को लाकर 500 का अदद पूरा करते हैं।
बीवी ने कहा मजदूरी नहीं लाए करना, मांगते शर्म आई। हबीब अजमी का वही इशारा था कि उससे मांगते का ठीक है कल दो दिन की लेके आना, कोई बात। दूसरे दिन गए, दिन भर मेहनत की, शाम को आए दरवाजे पर ही खड़ी है। कहा हबीब आज तो दो दिन की मजदूरी लेकर आए होंगे। कहना कहा क्यों? कहा कल तो मैंने कहा कि मालिक इतना करीम है कि मांगने में शर्म आती है, मांगने में शर्म आती। तो आज बीवी ने फट से कहा हबीब कल जब जाए तो पहले दो दिन की इकट्ठा मजदूरी मांगना, दे तो काम करना वरना चौखट बदल लेना। अब ये अहलुल्ला उलमा समझते हैं ये तीर कहाँ लगता है कि बंदा ये चौखट छोड़कर जाए तो कहाँ जाए। जिन्होंने मस्जिदें छोड़ी उनका हाल देखो, जिन्होंने अल्लाह का डर छोड़ा, अल्लाह की चौखट छोड़ी, आज परेशान है। अगर कोई सुकून चाहे, आसानियां चाहे, तो अल्लाह की चौखट के बगैर मिल ही नहीं सकता है, मिल ही नहीं सकता। हबीब अजमी समझ रहे थे कि ये चौखट छोड़ के जाऊं तो कहां जाऊं। तो आज इरादा कर लिया कि अब कल जाऊंगा तो आधी रात को आऊंगा जब ये सो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की शान में बेहद भी कर दे। तो तीसरे दिन जब रात को आए, घर के करीब पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, घर में से धुआं उठ रहा है, तंदूर जल रहा है और गोश्त पकने की खुशबू आ रही। तो आपको ख्याल आया शायद किसी पड़ोसी को तरस आ गया होगा तो कुछ पहुंचा दिया होगा, खाना पक रहा है। तो आप डरते डरते कि कहीं आज फिर वो सवाल न कर ले, कहीं वो बेदार ना हो, आप डरते डरते घर के दरवाजे के करीब आए तो क्या देखा, बीवी नए कपड़े पहनकर दुल्हन की तरह सजकर दरवाजे पर इंतजार में खड़ी है। और आप जैसे ही आए हाथ पकड़ के अंदर ले गई, हबीब जल्दी चलो, जल्दी चलो, घर में चलो, देखो कितना सारा सामान है। हबीब तुमने जो कहा था सच कहा कि तुम्हारा मालिक जिनके लिए यहाँ तुम मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, वो बड़ा कड़ी में कि तुम दिन भर काम में थे तो उन्होंने तुमको नहीं बुलाया, अपने आदमियों को भेजा, सामान भेजा। हबीब अजमी रहमतुल्ला का बयान है, मैं जब देख रहा हूँ घर में जाकर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी सारा सामान पड़ा हुआ है, तो मैं सीधा सजदे में गिर गया। कहाँ गिर गए? सजदे। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, रो रहा हूँ। तो मेरी बीवी ने फिर हाथ पकड़ा सजदे में, अरे हबीब उठो, सर उठाओ, रोते क्यों हो? वाकई में तुम्हारा मालिक बड़ा करीम है, जाते जाते पैगाम देकर गया। का क्या पैगाम है? तो क्या पैगाम ये देकर गए हैं कि हबीब को कहना मेहनत में कमी ना आने देना, हम उजरत में कमी नहीं आने देंगे, मेहनत में कमी ना आने देना, हम उजरत में। बस दुआ करो अल्लाह हमें उसके लिए मेहनत की तौफीक अता फरमाए। ये जो कुछ टूटा फूटा कर रहे हैं अल्लाह अपनी शान शान उसको कबूल फरमाए, अपनी रजा नसीब फरमाए, दुनिया में आखिरत में अल्लाह हमें उसका बेहतर सिला नसीब फरमाए। इसी पर आज के बयान को ख़त्म करते हैं। आखिर में दोनों जहाँ के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक दो मिसरे पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं। मुस्तफा शान रहम पे बेहद सलाम की नूरानी सूरा, पे बेहद सलाम की पाकीज़ा सीरा, पे बेहद सलाम जिनको मेराज में हक की कुर्बत मिली, सारे नबियों की जिनको
इमामत मिले और खैरुल उम्म जिन को उम्मत मिले और शफाअत की जिनको इजाजत मिले उस नबी की नबूवत पे बेहद सलाम मुस्तफा शान रहमत पे बेहद सलाम जिनके घर में माहीनों अल्लाह जिनके घर में माहीनों चूल्हा जला मरते दम जिनके घर में दिया तक न था उनकी दादो देश का कहूँ हाँ। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कई कई दिन हो जाते थे कई कई दिन हो जाते थे चूल्हा जलाने की नौबत नहीं आती थी खजूर और पानी पर गुजारा होता। सैयदा फातिमतु जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने दुपट्टे के कोने में आधी रोटी का टुकड़ा बांध कर हाजिर होती है। अर्ज करती अब्बा हुजूर आप इसको कबूल फरमा लें। दोनों जहां के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेटी फातिमा क्या बात है। सैयदा फातिमा अर्ज करती है अब्बा हुजूर हम कई दिनों से भूखे थे हम कई दिनों से फाके से थे हमने कुछ नहीं खाया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला नु कुछ कमा कर लाए मैंने पांच रोटियां पकाई एक रोटी मैंने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला नु को खिलाई दूसरी रोटी मैंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला नु को खिलाई तीसरी रोटी मैंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला नु को खिलाई। उसी में एक साइल अल्लाह के नाम पर सवाल करते हुए दरवाजे पर आया बना में खुदा वो भीख मांग रहा था मुझे रहम आ गया मुझे तरस आ गया। चौथी रोटी मैंने उस भीख मांगने वाले को खिला दी पांचवी रोटी मेरे हिस्से की रह गई थी मैं उसे खा रही थी आधी रोटी मैंने खाई अचानक मुझे आपका ख्याल आ गया कि फातिमा फातिमा तू तो अपने घर में बैठ के रोटी खा रही है पता नहीं तेरे वालिद पर क्या गुजरती हो। हाय हाय मुसलमानों दोनों जहां के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोटी से एक लुकमा तोड़ते हैं अपने मुंह में रखते हैं उसके बाद फरमाते हैं बेटी फातिमा कसम है उस जात की बेटी फातिमा कसम है उस जात की जिसके कब्जे में तेरे वालिद की जान है। आज तीन दिन हो गए तेरे वालिद ने एक लुकमा अपने मुंह में नहीं रखा। जिनके घर में माहीनों जिनके घर में माहीनों चूल्हा जला मरते दम जिनके घर में दिया तक न था उनकी दादो देश का क
का हाल क्या सिमोजर के दिए जिस ने दरिया बहा कोई महरूम डर से न साइल गया उस नबी की सखाओ उस नबी की सखाओ पे बेहद सलाम मुस्तफा शान रहम बेहद सलाम। अपनी आंखों को बंद कर लें, अपनी गर्दनों को झुका लें। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को अम्मी अम्मी कहकर पुकारता है, माँ जिधर चेहरा ले जाती है बच्चा उधर जाके माँ को पुकारता है, बच्चा रोया करता है, यहाँ तक के माँ अपने रोते बच्चे को सीने से लगा लेती है। आज हम उसके गुनहगार बंदे, सियाहकार बंदे, एक करारी मुजरिम उस रब के सामने आकर बैठे हैं, उस रब को अल्लाह अल्लाह कहकर पुकारे ताकि वो रब हम गुनहगारों पर रहम फरमाए। मेरी आवाज़ से अपनी आवाज़ को मिलाते हुए अल्लाह का जिक्र करें, सबकी जबान पर अल्लाह का नाम। Allahu Allah, 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 गर्दनों को झुकाए रखें, सोचें अल्लाह के सामने बैठा हूँ, अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर मैं अल्लाह को नहीं देखता मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा। अपनी खताओं को याद करें, अपने गुनाहों को याद करें, रोने की कोशिश करें, ऐ अल्लाह आज तक मैंने कैसे कैसे गुनाह किए। मालिक बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब कोई अल्लाह का बंदा, जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की मोहब्बत में या अल्लाह के खौफ से एक आंसू बहाए, अल्लाह जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर लिया करता। मैं तेरे सामने
झुक रहा हूँ खुदा मैं तेरे सामने मैं तेरे सामने मैं तेरे सामने झुक रहा सियाकार हूँ मैं खटाकार हूँ मैं सजावार हूँ मैं खटाकार हूँ मैं सजावार हूँ मेरे सजदों तेरी दो सना मेरे सजदों में तेरी दो सना मेरा को मुझे गुनहगार को तू न देना सजा। वाके मेला के बंदो और ऐ जवानों उस अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त है उसका अजाब भी बड़ा सख्त है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये दुनिया की धूप हमसे बर्दाश्त नहीं होती ये गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती जरा सोचो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करें। अल्लाह के प्यारे नबी अली सलाम फरमा रहे हैं ऐ मेरी उम्मत मैंने मेराज की रात में जहन्नम के अजाबात को देखा है मैंने कुछ जहन्नमी मर्दों को देखा जहन्नमी औरतों को देखा इतना बुरा अजाब हो रहा था इतना बुरा अजाब हो रहा था कि उनकी शर्मगाहें उनकी पेशानियों पर लगी हुई थी और इतना नहीं उनकी शर्मगाहों से खून और पीप बह रहा था और वो जहन्नमी अपने मुंहों से पी रहे थे अपने मुंहों से पी रहे थे। आप अलैहिस्सलाम जिब्राइल आमी से पूछते हैं ओ जिब्राइल ये कौन बदनसीब है और ये किस नबी के उम्मती है जिन्हें इतना बुरा अजाब हो रहा है। जिब्राइल आमी जवाब नहीं दे रहे गर्दन झुका ली के उम्मत के लिए आंसू बहाने वाला नबी कैसे बर्दाश्त करेगा। बार बार पूछने पर जिब्राइल हमें जवाब दे रहे हैं ऐ अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ये जहन्नमी मर्द ये जहन्नमी औरतें किसी और नबी के उम्मती नहीं किसी और नबी के उम्मती नहीं ये आपके उम्मती है ये आपके उम्मती। ओ जिब्राइल मेरा उम्मती
मेरा उम्मती क्या गुनाह करके लाया, क्या बुराइयां कमा के आया। तो जिब्राइल अमी जवाब दे रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आपकी उम्मत के वो मर्द और आपकी उम्मत की वो औरतें जो दुनिया में जीना किया करते थे, जो दुनिया में जीना किया करते थे और बगैर तोबा के मर चुके हैं, आज अल्लाह उन्हें ये अजाब दे रहा है। अल्लाह के बंदो और ऐ जवानों, आज मौका है, दो चार आंसू बहा लो ताकि आसमान वाले को रहम आए। दुरूद शरीफ पर। بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ اے اپنے بندوں بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آج آپ کے عالی دربار میں آپ کی چوکٹ پر اے اللہ کیسے کیسے آپ کے بندے آئے ہیں اور کیسے کیسے نوجوان آ کر بیٹھے ہیں اور اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اکثر نوجوان آ کر بیٹھا ہے اکثر نوجوان آ کر بیٹھا ہے اور اے اللہ یہ وہ نوجوان ہیں جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا آج آپ کو منانے رو رہا ہے آج آپ کو راضی کرنے رو رہا ہے آج آپ کو خوش کرنے کے لیے رو رہا ہے اے اللہ اس قدر آنسو بہانے والے لوگ اس قدر رونے والے لوگ آج تیری چوکھٹ پر آئے ہیں تیری دہلیز پر آئے ہیں گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں اور اے میرے اللہ کیوں نہ روئے کیوں نہ روئے کہ اے اللہ ہم ہی قصوروار ہیں ہم ہی گنہگار ہیں ہم ہی خطاکار ہیں کہ اے اللہ دن کے اجالوں میں بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں اور رات کے اندھیروں کا تجھے کیا بدلا اے اللہ رات کے اندھیروں کا تجھے کیا بتلائیں کہ رات کے اندھیرے چھاتے نہیں کہ ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں اے اللہ آج تو حالات یہ ہیں کہ گناہ کرنے والے رات کے اندھیروں کا انتظار کرتے ہیں رات کی تنہائیوں کا انتظار کرتے ہیں حالانکہ اے اللہ تیرا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اے اللہ تیرا قرآن کہتا ہے اے لوگو کل جب اس میدان میں آؤ گے ہم تمہارے منہوں کو تالا مار دیں گے تمہارے منہوں کو مہر لگا دیں گے آج زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آج تمہارے ہاتھ بولیں گے کہ دنیا سے کیا کما کر آئے ہو آج تمہارے پیر بولیں گے کہ دنیا سے کیا لے کر آئے ہو او جوانوں او جوانوں سوچو اس میدان میں اللہ کے سامنے اگر ان آنکھوں نے بولنا شروع کر دیا کہ اللہ دنیا سو جاتی تھی اندھیرا چھا جاتا تھا اور یہ ننگی تصویریں دیکھنے میں لگ جاتا تھا یہ گندی فلمیں دیکھنے میں لگ جاتا تھا اگر ان آنکھوں نے ہمارے خلاف بولنا شروع کر دیا اس اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے آج موقع ہے اس اللہ کے سامنے آئے ہیں گرم گرم آنسو بہاؤ تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آپ بڑے رحم والے ہیں آپ بڑے کرم کرنے والے ہیں اور آپ تو اے اللہ گنہگار کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آج سارے کے سارے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں اور تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تیرے خوف سے تیری محبت میں ایک آنسو بہتا ہے اللہ تو زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے یہاں تو زار و قطار رونے والے لوگ ہیں آنسو بہانے والے لوگ ہیں اللہ ہم سب کے
गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमा। अल्लाह हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा। अल्लाह हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह इतने सारे लोगों ने हाथ फैलाए, कौन बेचारा किस दुख में मुबतला है, किसका क्या गम है, क्या परेशानी है, क्या बीमारियां हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अल्लाह सबके गमों को दूर फरमा दे, दुखों को दूर फरमा दे, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा दे, रोजियों में बरकत अता फरमा दे, कारोबार तिजारतों में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह जो बेचारे बे औलाद हैं, अल्लाह उन्हें औलाद दे दे। अल्लाह उन्हें औलाद दे दे। अल्लाह उन्हें औलाद दे दे। और मेरे अल्लाह जिनको आपने औलाद दे रखी है, ये औलाद बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह जब औलाद नेक होती है, माँ बाप की खिदमत करने वाली होती है, माँ बाप को दुनिया में जन्नत का मजा आता है। और जब औलाद नाफरमान बन जाए, जब औलाद सर का दुखावा बन जाए, तो माँ बाप की दुनिया जहन्नम का घरा बन जाती है। अल्लाह आज इस बरकत वाली रात में तुझसे इल्तिजा करते हैं। अल्लाह जब आपने हमें औलाद दे रखी है, अल्लाह हमारी औलादों को नेक बना दे, परहेजगार बना दे, आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को तरक्कियात से मालामाल फरमा ले, हमारी औलादों को खुशहाली नसीब फरमा दे। अल्लाह औलाद के गमों से हिफाजत फरमा ले, औलाद के दुखों से हिफाजत फरमा ले, औलाद की बीमारियों से हिफाजत फरमा ले। ऐ परवरदिगारे आलम, हमारी ये पीर खजूरी मस्जिद और इनके जिम्मेदारान और ये नौजवान बेचारे मेहनत कर रहे हैं, फिक्रे कर रहे हैं, माहौल बनाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह इन सब को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके फिक्रों को कबूल फरमा ले, इनके कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। अल्लाह ये पूरा जो खानकाही निज़ाम बनाया गया है ईद तक, अल्लाह इसको अपनी शान निशान कबूल फरमा। और इसमें जो जो लोग जिस एतबार से ताउन कर रहे हैं, नुसरत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, अल्लाह मैं बाद बच्चों को देखता हूँ, रात भर बेचारे बेदार रहते हैं, बाद साथियों को देखता हूँ, रात भर खिदमत करते रहते हैं। अल्लाह इन सब को कबूल फरमा, इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी औलादों को नेक बना दे, परहेजगार बना दे, आँखों की ठंडक बना दे। अल्लाह हमारे इस मोहल्ले पर, हमारे इस इलाके पर अपनी खुसूसी बरकतें नाजिल फरमा, खुसूसी रहमतें नाजिल फरमा। अल्लाह ये हमारी दुआएँ आपके ज़िम्मा कबूल करना है। हमारी इन तमाम दुआओं को महद अपने फ़ज़ल व करम से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में तमाम सहाबा ताबेईन तबे ताबेईन तमाम औलिया किराम के सदक़े तुफ़ैल में कलाम मजीद के सदक़े तुफ़ैल में और अल्लाह तेरे इन नेक बंदों के उठे हुए हाथों के सदक़े में और उनकी आँखों से बहे हुए आंसुओं के सदक़े में अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين।